हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी टाइम्स रात की एक और वीडियो में। हूं अंकुर तनेज और मौजूद हूं मैं आज टाटा की नेक्सॉन आई सैनिक पेट्रोल डीजल और नेक्सॉन ईवी के लॉन्च पर, जहां पर इन कीमतों का ऐलान हो गया है। ये तीनों जो हैं वेरिएंट्स खड़े हैं, बेस, मिड और टॉप, जो कि पेट्रोल और डीजल वाले वर्जनस के हैं। और इसके साथ साथ बगल में खड़े हैं नेक्सॉन की ईवी के दो वेरियंट्स। कीमतों की बात करूँ तो नेक्सॉन की जो आइस ये वाली गाड़ियाँ हैं, इनका प्राइस स्टार्ट हो रहा है पेट्रोल डीजल में तकरीबन 8,10,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है, और जाता है टॉप वेरिएंट जो है उसका प्राइस जाता है इसका 13 लाख रुपए एक शोरूम इसका प्राइस जाता है। फिर जो नेक्सॉन ईवी है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 14.75 लाख एक शोरूम से, और जाता है टॉप वेरिएंट के लिए अराउंड 20 लाख एक शोरूम। मिड रेंज और लॉन्ग रेंज दो इसमें ऑप्शन है नेक्सॉन ईवी में, जिनका प्राइस अलग रखा गया है। एंड अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो नेक्सॉन आइस पेट्रोल डीजल वाले वर्जन्स हैं इनके बेस, टॉप और मिड वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं वो आपको बताते हैं। ये जो खड़ा है इसका बेस वेरिएंट है जो कि स्मार्ट वेरिएंट है, इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 8,10,000 एक शोरूम में इसका प्राइस रखा गया है। आप देखेंगे इसमें फ्रंट जो है वो थोड़ा बहुत अलग आपको इसके टॉप एंड से देखने को मिलेगा। नीचे जो है इसमें सिल्वर स्किड प्लेट नहीं दी गई है, यहाँ पे इसमें फॉग लैंप्स नहीं देखने को मिलेंगे। हेडलैम्प्स जो है इसमें हैलोजन दिए गए हैं, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं देखने को मिलते हैं। एंड इसके साथ साथ जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पे आप देखेंगे टायर जो हैं इसमें स्टील व्हील्स दिए गए हैं, और जो सेक्शन जो है इस बेस वेरियंट में इसमें 195 सेक्शन है, जबकि जो मिड और टॉप वेरियंट हैं उनमें 215 सेक्शन के 16 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं। एंड जो साइड मिरर है यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें जो है मैट फिनिश में ये दिया गया है, कोई 360 कैमरा इसमें नहीं है। एंड जो ये है ये इसका टॉप वेरिएंट है, फियरलेस वेरिएंट है, पियानो ब्लैक है, 360 कैमरा यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रूफ रेल नहीं मिलेगी आपको बेस वेरिएंट में। एंड जो डो हैंडल्स हैं वो भी आपको इसमें ब्लैक्ड आउट मिलेंगे, बॉडी कलर इसमें देखने को आपको डो हैंडल्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं। एक और एलिमेंट है साइड की बात करूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं ये बॉडी कलर प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके डोर्स में यहाँ पे यूज़ करा गया है, लेकिन जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे जो है पूरा ब्लैक आउट देखने को मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल जो है मैं आपको इसका जो इसका मिड वेरिएंट है वो भी दिखा देता हूँ, ये इसका जो है प्योर वेरिएंट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो है हेडलैम्प्स यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ गए, जबकि बेस में हेलोजन थे। फॉग लैम्प्स इसमें भी यहाँ पे नहीं है। एंड डीआरएल्स वैसे ही हैं, कोई चेंजेस नहीं है। स्किड प्लेट जो है इसमें भी सिल्वर नहीं है, वो सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलने वाली है। साइड में यहाँ पर आएँ तो इसमें जो है स्टील व्हील्स के साथ आपको व्हील कवर मिल जाएगा, जबकि जो बेस है उसमें आपको खाली स्टील व्हील्स मिल रहे हैं। साइड जो है वो सेम है बेस की तरह ही, यहाँ पे ब्लैक आउट पूरा दिया गया है। दो हैंडल जो हैं इसमें बॉडी कलर नहीं है, इसमें भी आपको ब्लैक आउट मिलेंगे। रूफ रेल यहाँ पे आ जाती है तो ये रूफ रेल का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। एंड जो साइड मिरर्स हैं इसमें आपको पियानो ब्लैक में मिल रहे हैं, जबकि बेस में वो आपको पियानो ब्लैक में नहीं मिल रहे हैं। रियर में बहुत ज़्यादा कुछ आपको अलग बेस या टॉप में देखने को नहीं मिलेगा सिवाय इस स्किड प्लेट के, यहाँ पे जो है बेस में भी ये ब्लैक में दी गई है, मिड में भी ब्लैक में दी गई है, और जो इसमें सिल्वर में देखने को इसकी वो स्किड प्लेट मिल जाती है। सो ये थोड़ी बहुत चेंजेस थोड़े बहुत रियर में देखने को मिलेंगे। एक और जो इसमें माइनस है बेस और मिड में जो कि टॉप में है वो इसका रियर वाइपर है नहीं दिया गया, जो एक नया एडिशन हिडन वाइपर टाटा ने नई नेक्सॉन में ऐड किया है। एंड ऑल्सो इसमें जो है पियानो ब्लैक में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, एंड टॉप में भी है लेकिन बेस में वो शार्क फिन एंटीना देखने को नहीं मिलता। तीनों वेरिएंट्स की थोड़ा मोटा मोटा वो जो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर देखने को मिल रहा है। अंदर चलते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस वहाँ का है, बेस से स्टार्ट करते हैं देन विल मूव फॉरवर्ड। एंड इस बेस वेरिएंट की अब इंटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन नहीं मिल रहा है, जो बड़ा नया स्क्रीन दिया गया है। हालांकि वो मिड वेरिएंट में जो है वो भी स्क्रीन जो है पुराना है, जो नया वाला स्क्रीन है वो सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलने वाला है। ये नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे वो लेदर स्टिच वाला भी इंटीरियर बिल्कुल नहीं है, जो ये सीट अपहोल्स्ट्री है ये भी आपको फैब्रिक में इसमें देखने को मिलेगी। एंड डैशबोर्ड में भी काफ़ी ब्लैक आउट सा मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत पैटर्न यहाँ पे सेंटर में इसमें दिया गया है, बट उसके अलावा सब कुछ कम्प्लीटली ब्लैक आउट है। नीचे जो है ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। मोड हालांकि इसमें दिए गए हैं इको सिटी और स्पोर्ट यहाँ पर, और ये इसमें जो है 5-स्पीड मैनुअल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 6-स्पीड मैनुअल का भी है लेकिन इससे आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा। देन स्टेयरिंग पर आएँ तो यहाँ पर जो है कोई कंट्रोल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आई थिंक पियानो ब्लैक एलिमेंट साइड में दिया गया है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है उसमें यहाँ पे कंट्रोल्स आते हैं टच वाले, और यहाँ पे बटन्स भी हैं। एंड लेकिन सेंटर में जो है वो स्टेयरिंग का फील ओवरऑल सेम है, यहाँ पर लेदर स्टिच कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील है, टाटा का लोगो बैकलेट होगा, बस ये स्टेयरिंग में आपको नया एलिमेंट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है आप देखेंगे इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी फुल डिजिटल यहाँ पे नहीं है, बीच में छोटा स्क्रीन है। रेस्ट, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर, फ्यूल गेज वगैरह सब डिजिटल है बट नॉट
कम्प्लीटली फुल स्क्रीन यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है, तो मामला कुछ यहाँ पे इस तरह से देखने को इसमें मिल रहा है। ओवरऑल फील जो है, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स में आपको साथ साथ इसके टॉप पे भी दिखाता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लगाने में आसानी हो। एंड चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसमें यूएसबी चार्जिंग स्लॉट्स भी नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट इसके इस बेस वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। डोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ब्लैक्ड आउट है हिसाब किताब, कुछ यहाँ पे एलिमेंट आपको अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा टॉप वाला एलिमेंट या थोड़ा मिड वाला एलिमेंट, वैसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक मामला है। पावर विंडोज फ्रंट में हालांकि दी गई है, लेकिन रियर में जो है तो मैनुअली आपको ऑपरेट इसकी विंडोज यहाँ से करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसका जो मिड वेरिएंट है वो भी दिखाता हूँ। मैं बैठा हूँ इसके जो मिड वेरिएंट है, इसका प्योर वेरिएंट, उसमें बैठा हूँ, तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा आपको बेस के मुकाबले और क्या कम थोड़ा बहुत इसके टॉप के मुकाबले मिल रहा है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये स्क्रीन जो है इसमें पुराने वाला ही दिया गया, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। एंड जो स्पीकर्स हैं इसमें JBL के नहीं है, जबकि टॉप वेरिएंट में है। एंड बेस में भी जो है स्क्रीन तो है ही नहीं, तो स्पीकर्स भी आपको उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। एंड इसके अलावा इसमें एडिशन जो आपको मिलेगा बेस के मुकाबले, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा वाइट एलिमेंट यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड यहाँ पे इसमें जो AC कंट्रोल्स हैं वो टॉप वाले ही हैं, जिस तरह से नया जो टाटा ने पैनल यूज़ किया है तो वैसा ही है, टच एंड बटन वाला फील के साथ यहाँ पे देखने को इसमें मिलता है। और इसके अलावा स्टीयरिंग पर आ जाएँ तो यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, ये बटन वगैरह, ये टच के साथ पावर कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये सब यहाँ पे दिया गया है। एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल वगैरह के जो ऑप्शन टॉप में हैं वो सब इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे भी थोड़ा चेंज है बेस के मुकाबले, इसमें बीच में स्क्रीन दिया गया है, छोटा सा ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है, लेफ्ट साइड में इसका टैकोमीटर है, फ्यूल गेज हालांकि डिजिटल है बट वो फुल स्क्रीन वाला मामला ना यहाँ पे देखने को इसमें नहीं मिलता है। एंड स्टीयरिंग अगेन वही बैटरी टाटा के लोगों के साथ है। या सेंटर में आए तो वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे नहीं है, थोड़ा एक कप होल्डर्स की जगह थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाती है जो कि टॉप में नहीं मिलती है, वहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, बेस में भी आर्मरेस्ट नहीं है, टॉप में आर्मरेस्ट मिलता है। यहाँ पे जो है एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया और एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे इसमें और मिलती है। मोड इसमें भी दिए गए हैं, तीनों ये जो है 6-speed मैनुअल वाला वेरियंट इसमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पे जो है इसमें रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें जो है पीछे चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए नहीं दिए गए हैं। देन सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हालांकि जो अपोस्ट्री है वो फैब्रिक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट थोड़ा पैटर्न का यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, ग्रे और ब्लैक थोड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसमें यूज़ किया गया है और एक एलिमेंट यहाँ पे भी इसमें एडेड जो टॉप पेंट में, तो आपको इसमें लगता है बेस के बाद मैं इसमें रहता हूँ तो टॉप में जाएंगे तो थोड़ा एडिशन होते जाएंगे, तो थोड़े बहुत एलिमेंट वो टॉप वाले इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा डोर की बात करूँ तो डोर में भी वो थोड़ा वाइट एलिमेंट जो इसके डैशबोर्ड में दिया गया है वो इसमें भी है, थोड़ा पियानो ब्लैक टच भी वहाँ देखने को मिल जाता है जो कि इसके बेस में पियानो ब्लैक वाला नहीं है, वाइट वाला नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा एडिशन इसके ये मिड वेरिएंट जो प्योर वेरिएंट है इसमें हो जाता है। फिर जो इस वेरिएंट में जो इसका मिड वेरिएंट है प्योर, इसमें आपको सनरूफ भी यहाँ पे इसमें मिल जाती है एंड टॉप में ऑफकोर्स आपको मिलती है, तो बेस में वो सनरूफ का ऑप्शन नहीं है लेकिन यहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है अगर आपको ये वेरिएंट लेना है तो सनरूफ का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। तो ये कुछ मोटे मोटे ऑप्शन हैं टॉप का, ऑलरेडी आपको साथ साथ थोड़े बहुत क्लिप जो हमने दिखाए टॉप की वीडियो, हम फुल वीडियो भी ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो अलग वीडियो भी एक है, आपको क्या उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इस टाटा नेक्सॉन में जो आइस पेट्रोल और डीजल वाले वर्जन हैं क्या एक्स्ट्रा टॉप एंड मिलता है, वो वीडियोस रिव्यूज टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब टाइम्स ड्राइव की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उनको कम्प्लीटली। तो ये कुछ कीमतें इनकी स्टार्ट हो रही हैं, नेक्सॉन EV का तकरीबन 14.75 लाख से स्टार्ट हो रहा है प्राइस और जाता है 20 लाख तक, और जो आइस पेट्रोल डीजल वाले वर्जन हैं उनका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 8,10,000 से जाता है 13 लाख एक्स शोरूम तक इन नेक्सॉन के पेट्रोल डीजल वेरिएंट का प्राइस जाता है। तो कैसे लगे आपको ये चेंजेस जो बेस और मिड में मैंने आपको दिखाए, टॉप के ऑलरेडी आपको शॉर्ट्स साथ साथ दिख रहे होंगे, तो ये चेंजेस थोड़े बहुत हैं, कौन सा वेरिएंट आपको लग रहा है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, किसकी कीमत आपको सही लग रही है कॉमेंट से बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड प्लीज टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।